आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है यूपीएससी का इंटरव्यू। यूपीएससी का यह बोर्ड आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। हमें अक्सर ऐसे परीक्षार्थियों से, ऐसे कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है जिन्हें इसे लेकर अक्सर भ्रम होता है। दरअसल ये पर्सनैलिटी टेस्ट है क्या? कैसे यूपीएससी जांचता है आपके व्यक्तित्व को कि आप एक आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लायक है भी या नहीं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है। संभव है आप लोगों में से कुछ ने मुझे पहले से देखा हो। मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ यूपीएससी इंटरव्यूज़ के बारे में। एक बहुत रहस्यमय दुनिया है, बहुत कम लोगों को चूंकि यह बोर्ड देखने को मिलता है इसलिए इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कैंडिडेट्स के मन में भी और आम दुनिया के मन में भी। तो चूंकि मुझे जोश ने यह मौका दिया कि मैं आप लोगों से बातचीत करूँ, तो मुझे लगा कि मैं इस विषय पर आपसे बात करूँ। पर सवाल है कि मैं इस पर आपसे बात करने के लिए उपयुक्त पात्र क्यों हूँ? संभव है आप लोगों ने देखा हो कि पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोग यूपीएससी के उन परीक्षार्थियों को जो लोग मेंस की परीक्षा पास करके आते हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है, उनको उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। मैं ये काम पिछले 2 दशक से कर रहा हूँ, इसलिए संभव है कि मेरे पास ऐसा कुछ अनुभव, कुछ जानकारी है जिसे आपके साथ बांटने में मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हिंदी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा जन्म दिल्ली की अनधिकृत कही जाने वाली एक बस्ती भजनपुरा में हुआ। मैंने अपनी शुरुआती शिक्षा एमसीडी के स्कूल से, फिर दिल्ली सरकार के स्कूल से और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जाहिर है कि सरकारी कॉलेज से पूरी की। ये ग्रेजुएशन मैंने 1993 में किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, ये सब करने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इसी कॉलेज जिसका मैं कभी छात्र हुआ करता था, इसी कॉलेज में पढ़ाना मैंने शुरू किया और अब मैं वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है यूपीएससी का इंटरव्यू। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसके कई चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण है जिसे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स कहते हैं, उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और मेंस की परीक्षा में जो थोड़े से लोग उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मौका मिलता है यूपीएससी के इस बोर्ड के सामने आने का। यूपीएससी का यह बोर्ड आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो देश के अलग अलग शहरों में बैठे होंगे, दिल्ली जैसे महानगर में नहीं होंगे। उन लोगों के मन में अक्सर ये भ्रांति होती है कि शायद यह परीक्षा और ये पर्सनैलिटी टेस्ट, ये इंटरव्यू केवल महानगर के लोगों के मतलब की चीज़ है। हमें अक्सर ऐसे परीक्षार्थियों से, ऐसे कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है जिन्हें इसे लेकर अक्सर भ्रम होता है। तो मैं आज इस बात का फ़ायदा उठाऊंगा कि मैं आपके बीच हूं, कि मैं बता सकूं कि दरअसल ये पर्सनैलिटी टेस्ट है क्या, कैसे यूपीएससी जाँचता है आपके व्यक्तित्व को कि आप एक आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस जैसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लायक है भी या नहीं, और यदि आप ये परीक्षा पास करने का मन बनाए हुए हैं तो कैसे आप इस इंटरव्यू टेस्ट को पास करेंगे, क्या तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सबसे पहले तो यूपीएससी स्वयं ही बता देता है। अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को देखें, हर साल यूपीएससी अपनी परीक्षा में नोटिफिकेशन जारी करता है और उस नोटिफिकेशन में साक्षात्कार में क्या जांचा जाएगा इसकी भी घोषणा करता है। यह घोषणा क्या है? पहला वाक्य तो साफ साफ ये बताता है कि यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है या कोई इंटरोगेशन नहीं है। जिसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ये मानकर चल रहा है कि आपने कुछ बहुत सारी चीजें छिपा रखी हैं और वह इस इन प्रश्नोत्तर के इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे व्यक्तित्व परीक्षण में उन चीजों को छीनने की, उनको निकालने की कोशिश करता है। नहीं, ये केवल आपको अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना है और यूपीएससी को, यूपीएससी के उस बोर्ड को ये जांचना है कि आपके अंदर व्यक्तित्व में वे कौन कौन से गुण हैं जो शायद इन सेवाओं के लिए उपयुक्त हैं। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन साफ साफ कहता है कि यह व्यक्तित्व परीक्षण जाँचने की कोशिश करता है कि आप में इंटेग्रिटी, ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी है या नहीं है। यह परीक्षण यह बताने की कोशिश करता है, करेगा कि आप
तार्किकता से भरे हुए हैं कि नहीं, आप संवेदनशीलता से भरे हुए हैं कि नहीं। अब जरा दोबारा से सोचिए, बांदा में बैठे हुए लोग, पटना में बैठे हुए लोग, भोपाल में बैठे हुए लोग, एटा में बैठे हुए लोग, क्या उनमें इंटेग्रिटी, ईमानदारी, आत्मसातीकरण करने की क्षमता दिल्ली के लोगों से कम होगी, मुंबई के लोगों से कम होगी, पुणे के लोगों से कम होगी? नहीं। अतः ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व परीक्षण में छोटे शहरों से आने वाले लोग, व्यक्तित्व परीक्षण में महानगर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से न पढ़े हुए लोग अच्छा नहीं कर सकते। हमारा बार बार अनुभव ये रहा है कि वे विद्यार्थी जो ऐसी जगहों से मुख्य परीक्षा पास कर पाते हैं, वे इंटरव्यूज में, साक्षात्कार में अक्सर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इसकी वजह ये नहीं है कि कोई यूपीएससी उनको खैरात में, चैरिटी में अधिक अंक दे देता है। सच्चाई ये है कि इन जगहों पर रहने के अनुभव आपके व्यक्तित्व में ये वाले गुण डाल देते हैं, बस आपको एक विद्यार्थी के तौर पर उन्हें पहले से पहचान लेना है। अगर आप अपनी परीक्षा के दौरान इन्हें पहले से पहचान लेंगे तो आप जानते होंगे कि आपको किन गुणों पर बलाघात देना है और किन गुणों से छुटकारा पाना है। क्योंकि जाहिर है कि कुछ अच्छे गुण आएंगे तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे गुण भी आएंगे जो शायद परीक्षा के लिहाज से बहुत अच्छे ना हों। तो दरअसल हम व्यक्तित्व परीक्षण में इन्हीं गुणों को पहचानने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? मैं एक बहुत आसान सा जंतर आपको देना चाहता हूं। आप इस बात को समझिए कि जब आप किसी बोर्ड के अंदर जाते हैं, और ये यूं मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी साक्षात्कार के, लेकिन ये किसी भी साक्षात्कार पर लागू होता है, तो आप उससे पहले अपनी एक लिखित जानकारी भेजते हैं। यूपीएससी के मामले में इसे डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपकी पूरी के पूरी जीवन की यात्रा होता है। ये बता, इसमें आपको लिखना होता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरा जन्म दिल्ली की एक अनधिकृत बस्ती में हुआ। आपको बताना होता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपने कौन से पुरस्कार जीते थे, आप कौन सी क्लास में मॉनिटर थे, आपका कौन सा शौक है, आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माता जी क्या करती हैं। आपके पूरे व्यक्तित्व का एक कच्चा चिट्ठा होता है। हालांकि ये आप ही की घोषणा होती है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने किसी अन्य माध्यम से ये जानकारी हासिल की, आप ही ने ये फॉर्म भरा है और ये जानकारी उनको बताइए। इसे एक कहानी की तरह खुद पढ़िए, अपना खुद का एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बनाइए कागज पर, और फिर देखिए कि उस कहानी में आप जो मुख्य पात्र हैं, हीरो हैं, उसके व्यक्तित्व के कौन से हिस्से उभर कर आ रहे हैं, और उन उभर के आए हुए जो हिस्से हैं वही आपके जीवन के वे मोड़ हैं जिन्हें हम बोर्ड में बैठकर या यूपीएससी का बोर्ड पहचानता है और उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। मसलन मैंने अगर लिखा कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, तो अगर मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किसी समझदार व्यक्ति के सामने है तो वो इसे देखकर जानना चाहेगा कि दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के बारे में जानकारी मुझे है भी या नहीं। दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में सीवेज डिस्पोजल कैसे होता है? ये सवाल आपको अगर मान लीजिए यूपीएससी के बोर्ड में पूछा जाए तो आपको अचानक हवा से टपका हुआ सवाल लगेगा, लेकिन दरअसल है नहीं, क्योंकि ये उसी आवेदन पत्र से निकल रहा है जिसमें मैंने घोषणा की है कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, वहां बढ़ा। बस यही तो करना होता है। अब सवाल है कि परीक्षार्थी इसमें क्या करे, वो अपने पैदा होने की जगह नहीं बदल सकता, उसे बदलने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपके जीवन के चाहे कोई भी अनुभव क्यों ना हो, ये तमाम अनुभव आपके व्यक्तित्व में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म, जिसे हम कहते हैं विद द सिल्वर स्पून हुआ, जिसने शुरुआत से ही गोल्फ खेला, बिलियर्ड्स खेला, ठीक है, कोई बुराई नहीं है गोल्फ खेलने में, बिलियर्ड्स खेलने में, उसने उसके व्यक्तित्व में वो चीज़ें जुड़ी, लेकिन आपने अगर गुल्ली डंडा खेला तो गुल्ली डंडा ने भी तो आपके जीवन में कुछ जोड़ा होगा। और यही दरअसल हम यूपीएससी बोर्ड में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक के बेहतर और दूसरे के कम बेहतर होने का परीक्षण है ही नहीं, ये तो आपके व्यक्तित्व में जो ईमानदारी से आपने कहा है उस ईमानदारी की जांच भर है जो यहाँ की जाती है। इसलिए जो पहली सलाह मैं अक्सर परीक्षार्थियों को देता हूँ वो ये है कि किसी भी कीमत पर फेक व्यक्तित्व मत दिखाइए, नकली घोषणाएं मत कीजिए।
दूसरा, अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व को ढकिए मत. लेट द बोर्ड पीप इन टू योर पर्सनैलिटी. बोर्ड को अपने व्यक्तित्व में झांकने का मौका दीजिए, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है. चाहे आप 10वीं क्लास में फेल हो गए थे, चाहे आपके पिताजी किसी खोमचे वाला कार्य करते हैं, चाहे आपकी आपकी माताजी घरेलू महिला हैं और वह बाहर कामकाज नहीं करती, इनमें से कुछ भी शर्मिंदगी से भरा हुआ नहीं है. और ये सब इस सब ने आपके व्यक्तित्व में अपनी हिस्सेदारी की है, बढ़ाया है. पर्सनैलिटी टेस्ट इन्हीं चीजों की जांच है. तो पहला सूत्र यह है कि अपनी पर्सनैलिटी को नकली मत बनाइए, जो है उसे ईमानदारी से सामने रखिए. अब अगला सवाल यह है कि सामान्यतः उस तनाव की सेटिंग में, जब आप एक बड़े से कमरे में भेज दिए गए हैं और आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60-65 साल है, जिसने अपने पूरा करियर एक बड़े अधिकारी के तौर पर या एक पुलिस अधिकारी के तौर पर या एक सेना अधिकारी के तौर पर या एक एकेडमिक व्यक्ति के तौर पर बिता लिया है, उसकी ध्यान से देखती आंखों से आप परेशान न हो, तनाव में न आ जाएं, एक खुशमिजाज, एक अच्छे तार्किक संवेदनशील व्यक्ति की तरह अपने आप को दिखा पाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेरी सलाह बहुत साधारण है. मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ. आपसे बात करते समय मैं भी चिल्ला सकता था, चीख सकता था. बहुत बार विद्यार्थियों को ये लगता है कि एक्स्ट्रोवर्ट होना, बहुत खुलकर बोलना आपके व्यक्तित्व का बहुत शानदार गुण है. सच्चाई ये है कि ना तो एक्स्ट्रोवर्ट होना ना ही इंट्रोवर्ट होना व्यक्तित्व का अच्छा या बुरा गुण है. ये दोनों महत्वपूर्ण गुण हैं. तो हम ये मजबूरी है, साक्षात्कारकर्ताओं की मजबूरी है कि उन्हें भाषा में बात करनी पड़ती है. अगर उनके पास ऐसा कोई तरीका हो जो बिना बात किए आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकें, तो वो शायद आपसे बात ही ना करें. अगर कल को ऐसी कोई मशीन आ जाए जो आपको स्कैन करे और पता लग जाए कि आपका व्यक्तित्व क्या है, तो किसी इंटरव्यूअर की जरूरत ही नहीं. लेकिन चूंकि अब ये ऐसी मशीन नहीं है, इसलिए हमारे पास एकमात्र तरीका बात करने का है. तो हम जो सिखाने की कोशिश करते हैं और जो आपको सीखना चाहिए एक कैंडिडेट के तौर पर, कि जब आप बोर्ड के सामने जाएं तो आप बोलने या गैर वाचिक संप्रेषण, संप्रेषण दो तरह का होता है, एक वाचिक संप्रेषण बोलने वाला, आप कैसे बोलते हैं, और दूसरा गैर वाचिक संप्रेषण, आपकी आंखें क्या बोलती हैं, आपके हाथ क्या बोलते हैं, पूरा जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, उससे आप क्या संप्रेषित करते हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है. लेकिन सवाल है कि एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप अपने आप को ऐसे कैसे पेश करें जिससे यह लगे कि आपके व्यक्तित्व में जो गुण हैं वो अधिकारी बनने के रास्ते में बाधा नहीं. इसके लिए जरूर हम लोगों ने कुछ तकनीकी चेकलिस्ट बना रखी होती है. मसलन मैं 5 चीज़ें जरूर जांचता हूँ. मैं बात करता हूँ पोस्चर की, यानी कि आप कैसे बैठे हैं, सिटिंग पोस्चर. मैं बात करता हूँ वर्बल कम्युनिकेशन की, वॉइस की, यानी कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत ऊँची तो नहीं है या बहुत नीची तो नहीं. ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें संयोगवश नहीं होती. एंजाइटी आपकी आवाज़ को बढ़ा देती है. आप तेज बोल रहे हैं या आपके आत्मविश्वास का लक्षण नहीं है, या आपके डरे होने का लक्षण है. और हम इस बात को बहुत आसानी से, कोई भी जो इतने सालों से मैंने बताया कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, उधर बैठकर आपकी आवाज़ की शुरुआती 2 मिनट में जान चुके हैं कि आप कितने नर्वस हैं, और उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है. खैर, तो वॉइस लेवल यानी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि गति और आवाज़ की का जो वॉल्यूम है दोनों को देखा जाता है. इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट. सबसे खूबसूरत चीज़ मानव संप्रेषण में यदि कुछ है तो आपकी नज़रें. अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप बात करने वाले व्यक्ति की आँखों में देखते हैं. अगर नहीं है तो आप काम चलाते हुए चेहरे पर देखते हैं. लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप चुरा रहे हैं कुछ, अगर आप फेक कर रहे हैं कुछ, तो अक्सर आप ऊपर देखते हैं. ये साधारण सा तरीका है. कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप किससे बात कर रहे हैं तो उसकी आँखों में या कम से कम चेहरे की तरफ देखिए. इसके अलावा हम बात करते हैं अक्सर हैंड मूवमेंट की, हाथों से आप क्या कहने की कोशिश करते हैं.
ये एक अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां हैं, खड़े होते हुए अलग होता है, लेकिन चूंकि आमतौर पर साक्षात्कार बैठकर है इसलिए सबसे आसान होता है कि आप न्यूनतम हैंड मूवमेंट रखते हैं। और फाइनली कुल मिलाकर प्रवाह, फ्लो, वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक होता है कि आप जब बातचीत कर रहे हैं तो आप रुक रुक कर, अटक अटक कर बोल रहे हैं, या आप चूंकि अपनी बात पर यकीन रखते हैं इसलिए बात को एक प्रवाह में बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बराबर क्षमता से भरे हुए होंगे, क्षमताएं कम या ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक बड़ी सी एक चेकलिस्ट है चार पांच चीज़ों की जिनका आप ध्यान रख सकते हैं जब आप साक्षात्कार में, किसी भी साक्षात्कार में हो और यूपीसी साक्षात्कार में तो खास तौर से ये वो मूल बिंदु हैं जिनका जिनसे हम बात करते हैं। लेकिन जैसे कि किसी भी भाषिक चीज़ के साथ होता है, अंततः महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बोलते हैं, विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, क्या आप केवल जार्गन दे रहे हैं, क्या आप ब्लफ कर रहे हैं। किसी भी इंटरव्यू को, खासतौर से यूपीएससी इंटरव्यू को तबाह करने के लिए आपका केवल एक बार झूठ बोलना काफी है। आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं पता, और ऐसा स्कूलों में चल जाता है इसलिए कई बार आदत होती है कि आपको सवाल का जवाब नहीं पूछा पता है, लेकिन आपसे पूछा गया तो आपने कहा हाँ पता है, और जब आपने उत्तर दिया तो वह उत्तर आपके अनुमान पर, गेस पर आधारित था। इंटरव्यू आपको ये सुविधा नहीं देता। क्यों नहीं देता? बहुत साधारण सी बात है, प्रश्न का उत्तर न पता होने पर आप आसानी से कह सकते थे कि मुझे उत्तर नहीं पता। तब क्या आपके बारे में क्या राय बनती कि इसको एक सवाल का उत्तर नहीं पता था, जबकि बहुत सारे सवालों का उत्तर पता था, तभी तो यह साक्षात्कार दे रहा है, तभी तो उसने मीन्स क्लियर किया है। लेकिन आपने एक उत्तर गलत दिया, गलत का मतलब केवल गलत का, राय में गलत कुछ नहीं होता, लेकिन फैक्चुअल तथ्यात्मक चीज़ों में आपने दावा किया कि आपको पता है और आपको नहीं पता था, आपने अनुमान लगा दिया, तब आपके बारे में आपकी ईमानदारी पर सवाल उठता है। और यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी नॉन नेगोशिएबल है इस तरह की सेवाओं में, या आपके व्यक्तित्व में इंटेग्रिटी को लेकर जब सवाल उठ गया तो फिर आप किसी लायक नहीं। आप कितने भी योग्य इंजीनियर, डॉक्टर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर एक साधारण ईमानदारी का गुण नहीं है कि आपको, आपसे आपके वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा कि क्या तुम ये काम करते हो, इसके बारे में जानते हो, और आपने डर के कह दिया कि मुझे पता है, तो क्या होगा, पूरा काम बिगड़ेगा। इसलिए एक महत्वपूर्ण गुण जो है वो ईमानदारी का गुण होता है। ये वे मूल चीज़ें हैं जिनका ध्यान हम लोग साक्षात्कार में रखते हैं। हालांकि ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसलिए जब तैयारी आप करते हैं तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ये मानकर चलें कि साक्षात्कार के लिए केवल कैसे बोलना है की तैयारी करनी, क्या बोलना है इसे तो देखना ही पड़ेगा। एक बिंदु और मैं जरूर बात करना चाहता हूँ, और उसका लेना देना आपकी पर्सनालिटी की सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता से है। कोई भी व्यक्ति समाज में पैदा होता है और समाज के पूर्वग्रह उसे भी प्रभावित करते हैं। अगर किसी का जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ या गोरखपुर में हुआ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो स्वाभाविक है कि अगर उसका समाज में अभी सामंती गुण हैं तो उसके व्यक्तित्व में भी आए होंगे। इस बात के लिए हम उस व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, लेकिन पैदा होने से अब तक जो 20-22 साल उसने बिताए हैं, इसमें अपने, इस व्यक्ति ने अपने इन सामंती गुणों को बढ़ाया है या कम किया है, वह ज्यादा संवेदनशील हुआ है या ज्यादा सामंती हुआ है, स्त्रियों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, तमाम हाशिए के वर्गों को लेकर उसकी क्या सोच है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी अधिकारी या अधिकारी बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति। इसलिए आप अक्सर पाएंगे कि हम जरूर कोई ना कोई सवाल स्त्रियों से जुड़ा हुआ, स्त्रियों की संवेदनशील के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ अवश्य पूछते हैं, और सीधा न भी पूछें तो घुमा कर पूछते हैं। मसलन बहुत लोकप्रिय आजकल का सवाल है कि जब आप, अच्छा आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो बताइए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, और जैसे ही कोई व्यक्ति विराट कोहली बोलता है या किसी पुरुष क्रिकेट टीम का कप्तान बोलता है, तुरंत समझ में आता है कि इस व्यक्ति की महिलाओं के प्रति जो समझ है वह अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम तो दो होंगी ना, पुरुष क्रिकेट टीम भी होगी और महिला क्रिकेट टीम भी होगी, तो आपको या तो दोनों नाम बताने चाहिए, या फिर अगर आप पुरुष हैं तो आपको पहले
महिलाओं की क्रिकेट टीम का नाम बताना चाहिए और उसके बाद आपको पुरुष क्रिकेट टीम का। लेकिन अगर आपके लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मतलब केवल पुरुषों की क्रिकेट टीम है तो आपको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। ये कोई सजा नहीं है, ये आपकी आलोचना भी नहीं है, लेकिन ये केवल सुझाव है कि जब आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं तो अपने आसपास उन संवेदनशीलताओं को बढ़ाएं। ऐसा एक छोटा सा बिंदु है जो मैंने कहा था, पोस्चर, सिटिंग पोस्चर। आप में से कई सारे लोगों ने मैनस्प्लेनिंग और मैनस्प्रेडिंग शब्द सुना होगा। मैनस्प्रेडिंग का क्या मतलब होता है? मैनस्प्रेडिंग का मतलब होता है कि हम पुरुष जब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बैठते हैं तो बैठते समय अपनी टांगे चौड़ी कर कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल हमें लगता है कि ये दुनिया तो हमारी ही है, पुरुष जो ठहरे, इसलिए हम जितना हमारा एंटाइटल्ड स्पेस है उससे कुछ ज्यादा घेरते हैं। इसके ठीक विपरीत महिलाओं को हमेशा सिकुड़ने की ट्रेनिंग मिलती है, इसलिए वे जितना उनका एंटाइटल्ड स्पेस है उससे थोड़ा कम लेती हैं। एक व्यक्तित्व परीक्षक के तौर पर मैं इस बात को जब भी देखता हूं तो उस कैंडिडेट को समझाता हूं, गलती आपकी नहीं है, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा कि यह तो सामाजिक निर्मिति है, लेकिन अगर आप संवेदनशील हैं तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उतनी ही जगह लें जितनी पर आपका हक है। ऐसा नहीं है कि मेट्रो में बैठते समय अपनी टांगों को इतना चौड़ा कर दें कि साथ में बैठे हुए सहयात्री को सिकुड़ कर बैठना पड़े। ये रूपक में भी कही जा रही बात और भौतिक तौर पर भी की जा रही है। मेटाफोरिकली भी ये बात सच है कि हमें जितना मिलना चाहिए हम उससे ज्यादा घेरते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पुरुष हैं। तो व्यक्तित्व का यह वाला हिस्सा भी हम कभी कभी जांचने की कोशिश करते हैं, बल्कि किसी न किसी पक्ष को लेकर तो हमेशा करते हैं। अब बस आखिरी चरण, और वह यह है कि क्या आपको इंटरव्यू की तैयारी करते समय, आप स्टेट की सर्विस में आना चाहते हैं या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आना चाहते हैं या फिर आप फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? हालांकि इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। मैंने कहा कि आपको अपनी पर्सनैलिटी फेक नहीं करनी है, जिसका मतलब है कि आपको ये अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने की यात्रा तो पहले दिन से, जब से आप पैदा हुए तब से शुरू करनी थी। लेकिन चलिए देर हो गई, कम से कम जब आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं उसी समय पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ कीजिए। इसका क्या मतलब है? जो आप पढ़ लिख रहे हैं वो तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे वो तो है ही, करंट अफेयर्स को देखेंगे, निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, और जैसा मैंने कहा अपने साथियों के प्रति आपकी क्या राय है, क्या आप एक टीम वाले व्यक्ति हैं कि नहीं, आप टीम की तरह काम कर सकने लायक व्यक्ति हैं कि नहीं, आप अपने नोट्स को छिपा कर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं या नोट्स को शेयर करके पढ़ने वाले व्यक्ति। आपको हैरानी होगी लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है, अगर आप नोट्स को शेयर करके पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ग्रुप स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको शेयर करना, साझा करना, टीम के साथ रहना, टीम के लोगों को एकोमोडेट करना आता है, यही तो अधिकारी को करना होगा। और अगर आप अपने नोट्स को छिपा छिपा कर अपने दोस्त से, सबसे क्लोज फ्रेंड से भी बचा कर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, हो सकता है प्रीलिम्स मेंस में एक नंबर फालतू ले भी आए, लेकिन पर्सनैलिटी के लिहाज से शायद उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर आज की तमाम बातचीत में हमने जो बताया है या बताने की कोशिश की है वो केवल ये है कि सच्चा व्यक्तित्व रखिए, और सच्चा व्यक्तित्व सबसे अच्छा व्यक्तित्व है। थैंक यू।